गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कहानी चंदोआ कहानीकार डॉक्टर करतार सिंह सूरी। चंदोआ कहानी साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव कथा संवेदना विच दर्ज है। आज असी चंदोआ कहानी दा अगला एक्सट्रैक्ट हिंट्स दी मदद दे नाल डिस्कस करांगे। इस एक्सट्रैक्ट दियां एक्सट्रैक्ट लाइन्स हन, जनानिया दी खुरी पिछे मत हुंदी है, पंजा वेरी समझाया तेनू पई तू फिकर ना कर, मामे होरां नू असी दू प्रियारे हाँ, नाले उत्थे केही गिनती है वीहां पंजां दी, गुरु दी कृपा नाल अंदर बाहर पिया छलकदा है, तू वेखी ते सही एक वारी। पहला प्रश्न, ए शब्द किसने किसनू ते कदों कहे। दूसरा प्रश्न, जनानी नू किस गल दा फिकर सी ते क्यों। तीसरा प्रश्न, ए शब्द बोलन वाले नू किस गल दा माण है। चौथा प्रश्न, ए शब्द बोलन वाले ने जनानिया दी खुरी पिछे मत हुंदी है क्यों कहा। पहला प्रश्न, ए शब्द किसने किसनू ते कदों गए। वार्तालाप के आधार पर ए शब्द जीवन सिंह ने अपनी पत्नी इंदर कौर नूं कहानी के उस पड़ा ते कहे जदों जीवन सिंह अपने परिवार समेत गुरु बाबे दे दर्शनां लई सफ़र कर रहा हुंदा है। असल विच रेल सफ़र दौरान इंदर कौर जीवन सिंह नूं आखदी है कि उसके मन विच धुड़कू लगा होया है कि जे मामे होना मदद ना कीती तां की बनेगा, क्योंकि उन्हां दे काके नूं गुरु दे दर तो बेमुख हो के दुखां दा सामना करना पै सकदा है। उस समय जीवन सिंह इंदर कौर दे मन दा डर दूर करन लई हौसला दिंदे होए उपरोक शब्द कहिंदा है। अगला प्रश्न, जनानी नूं किस गल दा फिकर सी ते क्यों। जनानी तो भाव इंदर कौर है। जनानी नूं गुरु बाबे दे दर ते चंदोआ चढ़ाउण दी फिकर हुंदी है। असल विच जीवन सिंह दे काके नूं काकड़ा लाकड़ा नाम दी बीमारी आ घेरदी है ते ओह गुरु बाबे दे अग्गे अरदास करदे हन कि काके दे राजी होण तों 40 दिनां दे अंदर अंदर ओह सुच्चा चंदोआ चढ़ाउणगे। ते फिर जीवन सिंह ते इंदर कौर नूं गुरु बाबे दी जहरा करामात नज़र आई ते काका अठो वारी दे अंदर अंदर नवा नरोआ हो जांदा है। काके नूं ठीक होए 1 महीने तो वध हो गया सी, इसलिए जीवन सिंह अपने मित्रां पासों भज नठ करके 50 रुपए का जुगाड़ कर लैंदा है अते बाकी दे पैसिया दा भांगा अपने अमृतसर वाले मामे दे सिर ते सुट के गुरु बाबे दे दर्शन लई रवाना हो जांदा है। ते इंदर कौर दे मन विच डर लगा हुंदा है कि जे मामे ने पैसे ना दिते ता गुरु बाबे दे दरबार तो बेमुख हो के काके नूं दुखां दा सामना करना पै सकदा है। इस तरह इंदर कौर नूं चंदोआ चढ़ाउण दे संबंधी फिकर लगा हुंदा है। हुण बच्चे अगला प्रश्न देखो, ए शब्द बोलन वाले नूं किस गल दा माण है। शब्द बोलन वाले तो भाव जीवन सिंह है। उस नूं अपने अमृतसर वाले मामे दी तनाड़ पुणे ते माण सी। असल विच जद जीवन सिंह ते इंदर कौर चंदोए वाली सुखना पूरी करन लई अमृतसर जा रहे हुंदे हन ते उस नूं सुखना पूरी ना होण दा डर लगा हुंदा है ता जीवन सिंह उस नूं समझौंदिया आखदा है। पेज नंबर 60 टेक्स्ट बुक ते बेटे असीं देखांगे। ता जीवन सिंह उस नूं समझौंदिया कहिंदा है, मामे होरां नूं असी कोई दू प्रियारे हाँ, नाले उत्थे केड़ी गिनती है वीहां पंजाहां दी, गुरु दी मेहर नाल अंदर बार पिया छलकदा ने
तू वेखी ता सही एक वारी, मामी मेरी भी सुभा दी असलों माड़ी नहीं, रता सूमनी है सही, पर साडे नाल थोड़े ही सूमपुणा करना सो, पहल पलाही सुख नाल काका उन्हां दे घर चलिया, अल बहुते नहीं ता दस पंज तां उसकी तली ते भी धरन गई, कुछ ना कुछ तेनों भी लीड़ा लत्ता देवेगी, दो त्रियो नूं दा मां ना रखणगे। नाले कुड़ियां ने केड़ा रोज रोज उन्हां दे घर जाना, उंज भी जद मामे होरां नूं सुखना दी गल दसी उन्हां ठह दे के अव्वल ते चंदोए जोगी सारी, नहीं ते अद्धी पौनी रकम जरूर बर जरूर ही दे देनी है। इस तरह पति दियां गल्लां सुन के इंदर कौर दा डिगदा डिगदा उत्साह एक बार फिर कायम हो गया। ठीक है बच्चे, इस तो असी इतनी। चौथा प्रश्न, ये शब्द बोलन वाले ने जनानिया दी खुरी पिछे मत हुंदी है क्यों किया? ये शब्द कहन वाला पात्र जीवन सिंह है। जीवन सिंह दे अनुसार जनानिया मर्दा नालों घट सूझबूझ ते लियाकत वालियां हुंदियां हैं। ज्यों सिंह ने यह शब्द समुची औरत जात नू व्यंग कसद्या होया कहे सन। असल विच उसने यह शब्द इंदर कौर नू कहे सन क्योंकि वो जन्मा जन्मांतरा तो नींद का भुखा सी ते रेल सफर दे दौरान वो नींद का भांगा पूरा करना चाहता है, पर इंदर कौर नू चंदोए की चिंता लगी हुंदी है, इसलिए ओ जेब वल हाथ पाउंदिया कहंदी है करो ना बटुआ उरे, उसकी आवाज नाल ते उंगलां दी छो नाल जीवन सिंह नू जाग आ जांदी है ते जीवन सिंह नू ए गल सुखावी नहीं लगदी ते ओ मिठा जिहा रोस प्रगट करदे आ। असी अपनी टेक्स्ट बुक दी भी हेल्प लवांगे, पेज नंबर 59 ते जीवन सिंह मिठा जिहा रोस प्रगट करदे आखदा है कि कड़ी मूड़ी फोलन बह जानी है बटुए नूं किते वध जाने ने कड़ी मूड़ी गिनण नाल। ठीक है बेटे, उस तो बाद असी पेज नंबर 60 ते आ जांगे। तां इंदर कौर थोड़ी जी बेबसी ते कुछ शर्मिंदगी दे भाव विच बोलदी है वध ते नहीं जाने पर मैनू ते एहो तुड़कू लग्या होया ए पई जे मामे होरां कोलों मदद ना मिली तां फिर की बनेगा। ठीक है बेटे, इस तो बाद फिर असी इनू समअप करांगे क्वेश्चन नू एक लाइन दे नाल कि जीवन सिंह ए सुन के समुची औरत जात ते व्यंग कसदियां फकरी लहजे दे विच उपरोक्त शब्द कहिंदा है। हुण असी चारों प्रश्न हिंट्स दी मदद दे नाल डिस्कस कर ले हन ते तुसी ए चारों प्रश्न अपनियां कापियां ते नोट करने हन। धन्यवाद।